अब हम बेस 8 में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 13। अब हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 7 2 ज़रा हमारे पास क्या होता है 14। अब हमें पता है कि हम 14 नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 8 है, तो हम बेस 8 में सिर्फ 0 से 7 तक नंबर लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो 8 से इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 8 1 8 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 6 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे ये जो रिमाइंडर बचा और 1 हमारे पास यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 7 7 सर हमारे पास क्या हो जाएगा 49 और 1 हमारे पास हो जाएगा 50। 50 भी हम नहीं लिख सकते, 50 का यहाँ फिर एलसीएम कर लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा 6 48 और हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और जो हमारे पास 6 आया उसको हम यहाँ पे कैरी कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 6 36 6 7 42 42 और हमारे पास इसमें 6 ऐड कर लेंगे 42 43 44 45 46 47 48 और हमारे पास 8 6 क्या हो जाएगा 48 और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0 0 यहाँ आ जाएगा और 6 हमारे पास कैरी चला जाएगा। अब हमारे पास 7 4 28 29 30 31 32 33 34 हो जाएगा, उसको भी हम नहीं लिख सकते हैं, इसका हम एलसीएम करेंगे। 8 4 32 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे पूरा 42 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसको हमें पता है हम ये छोड़ देंगे पहले वाला नंबर। अब हम 0 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 0 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम नीचे से हमें पता है मल्टीप्लाई में हम एक एक स्टेप, इसमें हम एक स्टेप छोड़ के इसमें हम टू स्टेप छोड़ के आगे लिखेंगे। 5 2 10 हो जाएगा, 10 हम नहीं लिख सकते, बेस 8 है तो हमारे पास 8 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2 2 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हमारे पास चला जाएगा कैरी। 5 7 हमारे पास 35 और 36 हो जाएगा, 36 को हम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, हमारे पास 4 32 हो जाएगा और 4 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, 4 हम यहाँ लिखेंगे और 4 हमारे पास इस पे अब कैरी आ जाएगा। 6 5 30 और हमारे पास 34 हो जाएगा, 34 को हम कर लेंगे, 8 4 हमारे पास हो जाएगा 32 और यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 हम यहाँ लिख लेंगे और 4 हमारा क्या आ जाएगा इस पे कैरी आ जाएगा। अब हमारे पास 5 4 20 और ये हमारे पास हो जाएगा 24। अब हम 8 पीस को कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 2, यहाँ पे भी 2 4 5 6 6 आया तो मेरी इसके लिए एलसीएम की जरूरत नहीं, हमें पता है 0 से 7 तक हम बेस 8 में नंबर आराम से लिख सकते हैं। 4 और 2 अगेन हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3 और ये हमारा क्वेश्चन बेस 8 में मल्टीप्लाई हो चुका है और ये हमने मल्टीप्लीकेशन सीखी है बेस 8।